लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे क्या कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है। कंडीशन क्या थी कि बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वहां पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पता है जैसे फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये स्प्रिंग है, यहां पे हमने हाथ को नीचे लगा के रखा है, यहाँ पर हमने हाथ को नीचे लगा के रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, और ये ब्लॉक रेस्ट। ठीक है, स्प्रिंग अनकॉम्प्रेस। पहला क्वेश्चन, फाइंड एलोंगेशन व्हेन हैंड इज स्लोली रिमूव। Find elongation when hand is suddenly removed. And block is made to fall free. देखो, अगर यहाँ पे slowly remove किया जाता है तो कितना इसका elongation होगा, और अगर सडनली रिमूव करते हो अगर हाथ को अपने तो इसमें कितना एलोंगेशन। दो सवाल है। ठीक है, अगर पहले पार्ट की बात की जाए ना, तो अगर हमने इसको स्लोली रिमूव किया, ठीक है, तो धीरे धीरे ब्लॉक नीचे आएगा। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, कि ये ब्लॉक इतना नीचे आ गया। ठीक है, और इस पे नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर हो जाएगा। मतलब एम की नीचे लग रहा होगा ब्लॉक के ऊपर और स्प्रिंग कितना लगा रहा होगा इसके ऊपर, स्प्रिंग पे कितना लग रहा होगा के एक्स। ब्लॉक के ऊपर कितना लग रहा होगा के एक्स, एम जी इक्वल टू के एक्स। एक्स कितना आ जाएगा एम जी बाय, ये धीरे धीरे नीचे आएगा ना, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये ब्लॉक इसमें आ जाएगा इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स कितना लग रहा होगा जीरो, तो एक्स इक्वल टू एम जी बाय, ये पहले का आंसर होगा। अगर हमने ब्लॉक को अचानक से छोड़ा, ब्लॉक क्या होगा तेजी से नीचे गिरेगा। ठीक है, इतना तेजी से नीचे गिरेगा कि पहले के हम हाथ को धीरे धीरे हटा रहे थे, मतलब ब्लॉक नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, हम हाथ को धीरे धीरे हटा रहे और हम उसको हर बार क्या करते हैं इस पर नेट फोर्स को जीरो रखते हैं, और नेट फोर्स को इस पर जीरो रखते हैं हम लोग। ठीक है, एक समय ऐसे हाथ हटा दिया हमने, ठीक है, और एक्स इक्वल टू एम जी बाय, अगर हमने अचानक से हाथ हटा दिया तो क्या होगा, ये ब्लॉक जो है यहाँ से एकदम नीचे गिरेगा तेजी से। ठीक है, और इतना तेजी से नीचे गिरेगा कि ये यहाँ पर अपने इक्विलिब्रियम पोजिशन पे से भी आगे निकल जाएगा। ठीक है, मतलब बीच वाले पोजीशन से भी वो कैसा निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम से आगे निकल तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, जो ब्लॉक यहाँ पे था, ठीक है, जो ब्लॉक यहाँ पर था ना इनिशियली, ऐसा मैं डायरेक्ट ब्लॉक देखता हूँ, जो ब्लॉक ऐसे था इनिशियली, हमने अचानक से हाथ उठाया, ये यहाँ पे इसका आ गया इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे x किसके इक्वल होता mg / k, लेकिन ये यहाँ पे आके रुकेगा नहीं, यहाँ पे तो रुक गया था क्योंकि हाथ को हम धीरे धीरे हटा रहे थे, तो भाई हम नीचे से सपोर्ट दे रहे थे, ठीक है, आने दे रहे, अचानक से हटाया ये एकदम गिरेगा ऐसे धड़ल्ले से, और ये यहाँ पे आकर के ये ऐसे आ, ठीक है, यहाँ पे आ,
और यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, इस सिचुएशन में हाथ पटाए ना, यहाँ पे आके रुक जाएगा। नहीं स्लो हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, मान के चलो ना कि हॉरिजॉन्टल फोर्स एकदम इग्नोर कर, होगा भी तो एकदम नेग्लिजिबल होगा, उसको हटा दो। ठीक है, मान लो कि एकदम हाथ के बीच पे ब्लॉक के बीच पे एकदम स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हम जब बात करेंगे ना, तो ये यहाँ पे जब ये हम लोग रिमूव करेंगे ना, तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा। ठीक है, और इस सिचुएशन में यहां पे आकर रेस्ट में आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आकर के ये ऐसे आएगा। ठीक है, यहां से ओवरशूट किया, आगे बढ़ गया, और यहां पे आते आते एकदम एकदम नीचे में आकर के ये रुक जाएगा, एकदम मोमेंटली रेस्ट में आता, तब बहुत कम समय के लिए रेस्ट में आता है। फिर क्या करेगा, यहां से स्प्रिंग तो कनेक्टेड ही है, स्प्रिंग वापस उसको ऊपर खींच लेगा। ये वाला सिचुएशन होता है पार्ट टू में। ठीक है, ये वाला सिचुएशन किस में होता है, पार्ट टू में। तुम अगर घर पे चाहो ना, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वो चोटी पे पड़ने वाला रबड़ आता है ना, ठीक है, या रैप करने वाला रबड़ आता है, ठीक है, वो ले लो। ठीक है, और उस वो क्या करो, उसको लेने के बाद ना उसको कट कर दो और ऐसे ना हैंग कर दो, और ना उसपे ऐसे करके कोई चीज छोटा सा कोई चीज को हैंग कर दो और करके देखो कैसे, अगर तुमने स्लोली अगर हाथ को नीचे हटाया तो वो जल्दी आ जाता है तुरंत, मतलब कि वो यहाँ पे आ जाता है रेस्ट, और अगर हमने तेजी से हटाया तो नीचे ऐसे तेजी से आता है झटके से और फिर ऊपर भाग जाता है। ठीक है, तो ये झटके वाली चीज कहाँ पे होती है, सेकेंड पार्ट। अब इस सिचुएशन में अगर हमसे पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पे एक्सटेंशन क्या होगा, ये एक्सटेंशन मान लो वाई है, मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर जब ये नीचे आता है ना तो इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट नहीं लग सकता यहाँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये नीचे जा रहा होता है, ठीक है, और ये ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वाला केस आता है ना, उसको हम क्या यूज करते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, ये एक, ये एक्सटेंशन यहाँ मान लो एक बात, ये यहां से मान लिया हमने एक्सटेंशन यहां पे था एक्स, एक यहां पे मान लिया वाई, मान लिया ये वाई, हाफ के वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी इंटू वाई हो जाएगा। देखो तो क्योंकि यहाँ पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे जैसे वो यहाँ पे गिरेगा, ठीक है, यहाँ से वो इतना लेवल नीचे आ गया भाई से, इतना लॉस हो गया पोटेंशियल एनर्जी का एम जी वाई। ठीक है, देखो तो ये हमारा रेफरेंस है, दिस इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वाई वाई कट जाएगा, तो हमारा वाई कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा टू एम जी वाई। एक्स क्या है, y क्या है, एक्स का डबल है, अगर स्लोली छोड़ोगे ना, ठीक है, तो ये एक सेंटीमीटर नीचे आके रुक जाएगा, लेकिन अगर हमने इसको अचानक से छोड़ा तो ये दो सेंटीमीटर नीचे आता है। ठीक है, और फिर क्या करता है, ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करता है, वो हम पढ़ेंगे जाकर के एस एच। ठीक है, तो याद रखना जब भी ब्लॉक वाले स्प्रिंग ब्लॉक वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पर ध्यान रखना सवाल में क्या पूछा गया है, क्या वो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है कि वो मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या वो स्लोली हाथ को रिमूव करने की बात कर रहा है कि वो फास्ट हाथ को रिमूव करने की बात कर रहा है, अगर फास्ट रिमूव कर रहा है मतलब वो फॉल की बात हो रही है, अगर स्लोली हटाते हैं तो एक्स हो जाता है एम जी वाई के, और अगर फास्ट हटाते हैं तो एक्स क्या हमारा क्या हो जाता है टू एम जी वाई के हो जाता है। ठीक है, ठीक है, एक में एनर्जी कंजर्वेशन से करते हैं और एक में हम लोग इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट से करते हैं। तो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उस टॉपिक का नाम है आज कोलिजन। ठीक है,
ये टॉपिक हमारा काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे से तुम्हारे एग्जाम में सवाल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कोलिजन का पहले मतलब क्या होता है? याद रखना है कि कोलिजन एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें कि एक बॉडी का मोशन, देखो हमारे दिमाग में क्या होता है, कोलिजन मतलब टकराना। ठीक है, ऐसे दो कोई बॉडी जा रही है टकरा रही। ठीक है, हमारे दिमाग में कोलिजन का मतलब यही होता है कि ऐसे टच हो, ऐसे ये कोलिजन है ना। दो रेसलर है, सुमो फाइटर्स है, दोनों आए आमने सामने रिंग, ठीक है, जोर से टकराए, क्या हुआ, कोलिजन। लेकिन क्या कोलिजन होने के लिए जरूरी है कि दो बॉडी हमेशा एक दूसरे से टच ही करे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, याद रखना चाहिए। ठीक है, कोलिजन का कोई जरूरी नहीं होता कि बॉडी टच ही करे। एक्चुअली ऐसा भी होता है, मान लो हमारे पास अगर तुम लोगों ने पढ़ के रखा था अल्फा पार्टिकल था यहाँ पे, ये जाके टकराता था किसके साथ, गोल्ड के न्यूक्लियस के साथ, ये पढ़ के रखा होगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, क्लास 10th में भी था, कभी शायद 11th में पढ़ा होगा। ये जाता है इसके पास, ठीक है, और जैसे जैसे जाता है ना, ठीक है, एक समय इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसको धक्का मिलता है तो टच भी नहीं करता अल्फा, और ये मुड़ के इधर लौट जाए। यहां पर अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं आया है, फिर भी यहाँ पे हम बोलते हैं कोलिजन हुआ। याद रखना 95% केस ऑफ कोलिजन जो देखते हैं ना, उसमें बॉडी एक दूसरे को टच करती है, लेकिन 5% केस में बॉडी टच नहीं भी करे, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं ना कि कोलिजन का मतलब, कोलिजन एक ऐसा फिनोमेना होता है कि जिसमें कि एक बॉडी अगर जा रहा हो ना, तो हो सकता है वो दूसरे को टच करे या ना करे, लेकिन एक बॉडी दूसरे बॉडी के वेलोसिटी पे अफेक्ट डाल सकता है। जैसे ये जा रहा इधर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको इधर जा रहा था, इसकी वेलोसिटी इधर थी, लौट करके इधर आ गए, ठीक है, अफेक्ट पड़ा वेलोसिटी पे तो सीधी थी वो उल्टी हो जाएगी। ठीक है, ये जो था इसकी वेलोसिटी पहले जीरो थी गोल्ड की, इसकी वेलोसिटी हल्की सी इधर हो जाएगी। ठीक है, तो जो वेलोसिटी जीरो थी उससे फर्क पड़ा। ठीक है, याद रखना है कोलिजन की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात की जाए, तो कोलिजन का मतलब ये नहीं होता फिजिकल कॉन्टैक्ट, कोलिजन का मतलब क्या होता है, इट इज अ फिनोमिना इन विच वेलोसिटी ऑफ विच बॉडीज इंटरैक्ट एंड वन बॉडी चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ। ठीक है, इट कैन बी दो बॉडी टच कर भी सकती है, दो बॉडी टच नहीं भी कर सकती। ठीक है, अब याद रखते हैं एक चीज हमेशा कि कोलिजन जब भी होता है, ठीक है, कभी भी कोलिजन, एक चीज ऐसी होती है जो कभी नहीं बदलती है। ठीक है, एंड दैट थिंग इज इन एनी कोलिजन, याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मोमेंटम हमेशा कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ कोलिजन के बारे में। देखो अगर हमें कोई भी चीज को अगर क्लासिफाई करना है, ठीक है, तो हमारे पास वेरियस मेथड हो सकते हैं क्लासिफाई करने के। जैसे कि मान हमको लोगों को क्लासिफाई करना है, तो हम कहते हैं रिच पीपल, पुअर पीपल, गुड पीपल, बैड पीपल, टॉल पीपल, शॉर्ट पीपल, ठीक है, वगैरह वगैरह पीपल पीपल। अब यहाँ पर जो होता है ना, कोलिजन को भी हमने डिफाइन क्लासिफाई किया गया दो पार्ट में। एक हमारा पार्ट हो जाता है ऑन बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम में तो क्लासिफाई कर ही नहीं सकते क्योंकि सबके लिए मोमेंटम एक जैसा है। ठीक है, ऑन एंगल बिटवीन बी वेक्टर
एंड लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ। दो तरीके से हम लोग कोलिजन को कर सकते हैं। अगर हम बेसिस पे बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो ये हमारा हो जाता है, एक हो जाता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा हो जाता है इनइलास्टिक कोलिजन, और तीसरा हो जाता है प्लास्टिक कोलिजन। ये वाले की तरह मैं बात कर रहा था, ये हो जाता है हेड ऑन कोलिजन, ये हो जाता है मेरा ऑब्लिक कोलिजन। इस तरह से कोलिजन को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या किस टाइप के कोलिजन है, ठीक है। आई होप यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत हो कुछ हो। सर ये एंगल वाले में लास्ट वर्ड क्या लिखा है? यानी सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास हो गया ना, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं, अभी हम जो कोलिजन पढ़ेंगे ना वो सबके सब हेड ऑन कोलिजन होंगे। उस हेड ऑन कोलिजन में तीन कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है, इलास्टिक, इनइलास्टिक, प्लास्टिक, ठीक है, और फिर हम उसके बाद पकड़ेंगे ओब्लिक कोलिजन वाले। अभी हम लोग खाली पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिक कोलिजन के हेड ऑन कोलिजन। मान लो कि यहां पर ऐसे करके अगर हमारे पास मानो दो बॉडी है, ऐसे एक सरफेस है यहां पे, यहाँ पे एक सरफेस है स्मूथ है, यहाँ पर दो बॉडी पड़ी हुई है, ऐसे करके, ठीक है। इसकी रफ्तार मान लो एक बात है U1, इसकी रफ्तार है U2, ठीक है। ये एक बॉडी दूसरे बॉडी जाके टकराएगा, ठीक है। इसका मास मान लो M1 है, इसका मास मान लो M2। सबसे पहली चीज टकराने के लिए क्या कंडीशन है कि किसकी स्पीड बड़ी होनी चाहिए, U1 की कि U2 की? ऑब्वियस ही बात है U1 है ना, U1 की होनी चाहिए। U1 की स्पीड बड़ी होगी तभी जाके वो U2 तभी वो M2 से जाके टकरा सकता है। अब बोला गया है कि यहां पर जब टकराएगा एक दूसरे बॉडी के साथ, ठीक है, तो इनके बीच पे फोर्स लग रहा होगा, मतलब वन टू पे अप्लाई करेगा, टू वन पे अप्लाई करेगा, लेकिन बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है। इन कोलिजन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर बाहरी कोई फोर्स लग ही नहीं रहा बॉडी के ऊपर, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट चेंज इन मोमेंटम इक्वल बाय डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। फोर्स तो चेंज मोमेंटम में टाइम होता है, इसी प्रकार चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब टकराया बॉडी, जितना उनका इनिशियल मोमेंटम था उतना ही उनका फाइनल मोमेंटम भी होगा, ठीक है। उसको हम लोग, ये तो थोड़ा सा आपको लैंग्वेज थोड़ा सा मैथमेटिकली टफ लग रहा है, लेकिन इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, जीरो, ठीक है। अब यहां पर समझना इस चीज को कि इस पूरे प्रोसेस में चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहां पे इस पूरे प्रोसेस में क्या हमसे दो बातें पूछी जाएंगी, क्या हो रहा है मोमेंटम, पहला मोमेंटम रिमेन्स थ्रू आउट द प्रोसेस। अभी मोमेंटम अगर दोनों का 10 है, 100 है, जब ये टकराएगा ऐसे तो भी कितना होगा, 100। टकराने पे क्या होगा, एक दूसरे को दबाएगा ये इस तरह से,
ये शेप जो है ना कुछ ऐसा हो जाएगा, ये शेप जो है ना कुछ ऐसे अंदर धस जाएगा ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है। तो भी मोमेंटम सेम रहेगा इसका, मान लो एक का घटेगा, ठीक है, मानता हूँ एक का बढ़ेगा, लेकिन इनका जो सम है ना वो हमेशा, अगर अभी सम मान लो ये इसका अगर मान लो 100 है, इसका मान लो अगर 80 है, 180 है, जब टकराएगा ना तो इसका हो सकता है हो जाए 90, तो इसका हो जाएगा 90, सम कितना रहेगा 100 रहेगा। टकराने के बाद क्या होगा, इसका हो सकता है हो जाए 120, इसका हो जाएगा लेट से 60, सम कितना रहेगा 180 रहेगा। कुछ भी हो जाए, बीच में कोलिजन हो, दबाव हो, पहले कुछ भी हो, मोमेंटम हमेशा कैसा रहेगा कांस्टेंट, ठीक। पता इसी कंसेप्ट पे, सिर्फ एक लाइन वाले कंसेप्ट पे हमारे एससी वर्मा में एक सवाल भी है, शायद से सेंटर ऑफ मास का 42 या 43 नंबर क्वेश्चन है, जो इसी लाइन पर बेस्ड। दूसरा, लैंग्वेज पे ध्यान देना, मोमेंटम रिमेन्स सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है, मतलब हर सेकंड पे, हर मोमेंट पे मोमेंटम सेम रहता है। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर बात की जाए, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। मतलब यहां पर लैंग्वेज जो पहले की लैंग्वेज और दूसरे की लैंग्वेज में अलग थोड़ा डिफरेंस है। इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लो अगर इसकी थी लेट से इसकी 100 है, इसकी 80 है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, जैसे ये टकराएगा ना, ठीक है, वैसे क्या होता है कि ये दोनों बॉडी जब टकराएंगे ना तो ऐसे दबेंगे, है ना, जैसे कैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग जैसे दबता है ना वैसे ही बॉडी भी दबते हैं, और इनकी मान लो जो काइनेटिक एनर्जी 180 थी ना, जब ये दबेंगे ना तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मान लो 100 से घट के हो जाएगी 80, और इसकी 80 से घट के हो जाएगी मान लो 60, ठीक है। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, पहले 180 थी, अब कितनी हो गई है 140, घट गई ना। यहाँ पर पूछा जाएगा भाई आपने तो बोला था काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो मैंने क्या बोला, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के समय का मैंने नहीं बोला इक्वल होता, उस समय तुम्हारी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ठीक है, वो थोड़ी सी कन्वर्ट कर जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हमसे पूछा गया बताओ यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो मैंने बोला कि 40, क्योंकि पहले टोटल 180 थी, अभी 140 होगी काइनेटिक एनर्जी, तो ये घट के 40 से कम हो जाएगी, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद क्या होगा, ये बॉडी वापस से क्या होगा, अपना ओरिजिनल शेप लेगा, ठीक है, धीरे धीरे खुलेगा और ये ओरिजिनल शेप वापस ले लेगा, और क्या होगा, थोड़ी एनर्जी का एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। मान लो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जो पोटेंशियल एनर्जी जो थी 40 जो दबने में गई थी, वो एनर्जी वापस से रिगेन हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये हो जाएगा मान लो अगर 60 अगर हो जाता है काइनेटिक एनर्जी, इसका मान लो हो जाता है 120 हो जाएगा, 120 प्लस 60 कितना हो गया, वापस से 180। बीच में क्या काइनेटिक एनर्जी 180 थी, आंसर इज नो, बीच में थोड़ी सी कन्वर्ट होगी। इसलिए अगर हम ये कभी भी अगर तुम्हारे सामने अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो वहां पे पता है एससी वर्मा के बुक्स में वहां पे पता लिखा रहता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, तो वहां पे तुमको लैंग्वेज पकड़नी है, ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज अलग अलग बातें कह रही है, ठीक है। आई होप सबको इतनी छोटी सी बात समझ के आ गई। अभी छोटा सा एग्जांपल, कभी मानो तुम अगर देखो कि दो सुमो पहलवान है, ठीक है, अब उनका पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है, ठीक है, ये ऐसे आके दोनों टकराता है, ठीक है, ठीक है, अब ऐसे आके टकराएगा, पेट दोनों का दबेगा, ठीक है, दोनों का पेट ऐसे खप से दब जाएगा, तो उनका जो भी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उस समय उनके पेट के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है, बाद में फिर से उनका पेट नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी वापस से उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है, एक इधर से मान जा रहा था काइनेटिक एनर्जी 10 के साथ, एक इधर से जा रहा था मान 10 के साथ, वापस से पीछे चला जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, डायरेक्शन अलग हो जाएगा, स्पीड तो सेम ही रहेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी अभी भी 10 है, ये अभी भी 10 है, जब टकराया था तो 10 से कम होकर वो काफी कम हो गई थी, बाद में फिर से वही रिगेन हो जाता है। अब देखो यहाँ पे, तो ये दो पॉइंट जो है ना तुम लोग को ध्यान में रखना, ठीक है, कि
इन इलास्टिक कोलिजन क्या क्या चीजें होती है। अब हमसे पूछा जाएगा ना कि मान लो दोनों बॉडी टकरा गई, ठीक है, दोनों बॉडी टकरा गई, ठीक है, ऐसे टकराई, ठीक है, इनको अपनी ओरिजिनल शेप भी मिल गई, ठीक है, और टकराने के बाद ये दोनों बॉडी आके मस्त से अपना अपना रास्ता लेके निकलना चलना स्टार्ट स्टार्ट, ठीक है। अब देखो टकराने के समय में मैंने तुमको क्या बताया, क्या होता है, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी जो होता है पोटेंशियल में कन्वर्ट कर जाता है, वापस उसको एनर्जी की मिल जाती है अपनी, ठीक है, ऐसे गया बॉडी। अब जब टकराती ना दो बॉडी, तो U1 और U2 जो होती है ना उसमें क्या फर्क होता है जरा देखो, जैसे टकराएगी बॉडी, अब मान लो ये M1 है, तो ये M1 क्या करेगा, M2 के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये फोर्स इधर लग रहा, ठीक है, और ये वाला इस पे फोर्स इधर लग रहा, मतलब M1 ने M2 पे फोर्स आगे लगाया और M2 ने M1 पे फोर्स पीछे लगाया, ये फोर्स कौन सा, तो नॉर्मल फोर्स होता है ना, ये नॉर्मल फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स की वजह से क्या होगा, जब इस पे लगाएगा ना तो इससे U1 कम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये U1 कम होकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B1, और U2 बढ़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा B2, ठीक है। कोलिजन के बाद क्या होता है कि ड्यूरिंग कोलिजन या आफ्टर कोलिजन में ले सकता हूं, आफ्टर कोलिजन, अगर हम M1 की बात करें तो M1 पे फोर्स इधर लगा, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, B1 इज लेस देन U1, ठीक है, और अगर M2 की बात करें तो M2 पे तो फोर्स इधर लगा है, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, B2 इज ग्रेटर देन U, और ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इंटरनल फोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, और इंटरनल फोर्स से कभी भी मोमेंटम चेंज नहीं होता, मैंने बता के रखा, ठीक है, ये क्या होगा, ऐसा होगा। अब इतना सबको समझ में आ गया, इसको फटाफट जल्दी से नोट कर जाओ, मतलब एक मिनट का टाइम देता हूँ। कोलिजन मतलब बॉडीज का मूव करना इन सच्चे में कि एक दूसरे की स्पीड को चेंज करेगा या वेलोसिटी को चेंज करेगा। किसी को डाउट तो पूछ लो इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, सो दैट इन इलास्टिक कोलिजन, ये एग्जाम में बैठा बैठाया क्वेश्चन आएगा, सुन लो पहले, और इसका जो रिजल्ट है वो भी हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच to velocity of separation, ठीक है, देखो पहली बात है approach velocity का मतलब क्या होता है, ये approach मतलब relative velocity, ये मान लो 5 है, ये मान लो 3 है, किस velocity से इसकी तरफ approach कर रहा है, तो answer है 5-3, इसको rest पे मान लिया, 3 पीछे दिया, 2, ये हो जाता है velocity of approach। What is the velocity of separation? अब V2 V1 से बड़ा होता है, पहले इसकी तरफ approach कर रहा था, अप्रोच के तभी तो पास आया, टकराने के बाद क्या होता है वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है, अभी इससे दूर जा रहा है, अब ये बढ़ गया, ये मान लो है 5, ये है 3, अब इनके बीच का सेपरेशन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है,
अब ये इससे इनके बीच में गैप क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि तो अगर हमने इसको रेस्ट मान लिया, इसकी 2 की स्पीड है, ये दूर जाता चला जाएगा। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है यू वन माइनस यू। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये हो जाता है हमारा बी टू माइनस बी। आई सबको बात समझ में, हमको ये दिखाना है कि इलास्टिक कोलिजन में ये दो चीजें कैसी होती हैं, बराबर हो, ठीक है। अब देखो अगर इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कैसे हम दिखाएंगे, सो दैट टू शो, क्या दिखाना है हमको कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है। अब मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका ये खाली मैंने समझाने के बताया, ठीक है, ये सबको एग्जाम में अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ गया यू वन माइनस यू टू अभी तो बना चुका। अब लिखते हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन लिख सकता हूं यू वन माइनस यू टू, सॉरी एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इसको अभी अरेंज भी कर देता हूं एम वन यू वन इसको स्क्रीन शॉट ले लेना, इसका टाइम भी खत्म होने वाला है, क्लास खत्म होगी तो फिर से ज्वाइन कर देना। एम वन यू वन माइनस एम वन बी वन इक्वल्स टू एम टू बी टू माइनस एम टू यू, सिंपलाइज दैट एम वन यू वन माइनस बी वन बराबर हो जाएगा एम टू बी टू माइनस यू, ठीक है, ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन हमारा। ये किस में से आया, ये आया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मैंने बोला था कि मोमेंटम रिमेंस कंजर्व, ठीक है, सिंस इन कोलिजन इन एनी कोलिजन मोमेंटम रिमेंस कंजर्व। अब देखो सेकेंड इलास्टिक कोलिजन में और क्या चीज सेम रहती है, तो आंसर है काइनेटिक एनर्जी, ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कंजर्व, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन जो है ना खाली पेन और पेपर पे लिखा जाता है, ठीक है, कि ये आइडियल केस होता है, काइनेटिक एनर्जी का प्रैक्टिकल केस पे कहीं ना कहीं लॉस होता ही है। जब कोलिजन होता है तो थोड़े सा साउंड सुनाई पड़ता है हमको, साउंड एनर्जी में जाता है, थोड़ा हीट प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये हम बिल्कुल आइडियल केस मान रहे हैं, और आइडियल केस हमको पढ़ना जरूरी भी होता है, क्योंकि तो अगर हम आइडियल केस हमारे लिए आसान होता है जिससे कि हम रियल लाइफ को अच्छे से समझ सकते, तो हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वन बी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू बी टू स्क्वायर, टू टू सबका मर गया, दिस इंप्लाइज दैट एम वन यू वन स्क्वायर इसको इधर पटक दो इक्वल्स टू एम टू बी टू स्क्वायर माइनस उसको उधर पटक दो, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट अभी देखो मैंने क्या किया एम वन को एक साथ कर दिया, ठीक है, एम वन यू वन स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम टू बी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर, ठीक है, सबको इतना समझ में आ गया। हमें क्या दिखाना था याद करो, हमें दिखाना था यू वन माइनस यू टू इक्वल टू बी टू माइनस बी वन, अगर हम इसको लिखे आगे ऐसा तो एम वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूले से क्या आएगा, ये यू वन स्क्वायर यू वन प्लस बी वन यू वन माइनस बी वन इक्वल्स टू एम टू बी टू प्लस यू टू बी टू माइनस यू टू, ऐसा होगा। अब देखो खास चीज आप एम वन यू वन माइनस बी वन एम टू वी टू माइनस यू टू के बराबर, अगर मैंने इसको ऐसा करके लिख दिया एम वन यू वन माइनस बी वन यू वन प्लस वी वन बराबर एम टू वी टू माइनस यू टू वी टू माइनस यू टू वी टू प्लस यू टू, क्या फर्क पड़ता है इसको उल्टा पुल्टा कर दो। अब ये पार्ट देखो, ये पार्ट
ये बात, ये कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा? u1 plus u2 plus u2. This implies that u1 plus v2 बराबर हो जाएगा v2 plus u2. This implies that u1 minus u2 बराबर u1 plus v1. u1 minus u2 equals to v2 minus u1. ये क्या था? Velocity of flow. ये क्या था? Velocity of separation. इसको नोट कर दो. अभी क्लास खत्म होगी फिर से सबको ज्वाइन कर देगा. ठीक है? So we got this relation for elastic collision, velocity of approach equals to velocity of separation. फटाफट इसको नोट करो. सेकेंड क्लास जो है ना, पांच मिनट के बाद मैं स्टार्ट करूंगा, जो भी लिखा है ना उसके ऊपर अच्छे से रिवाइज कर लो पांच मिनट के अंदर. ठीक है? तो अभी जैसे क्लास एंड होगी ना उसके फाइव मिनट्स पहले जो भी लिखा है ना मैंने उसको रिवाइज करो. कोई भी डाउट्स हो तो पूछो सेकेंड पार्ट में, उसके बाद मैं फाइव मिनट्स के बाद चालू करूंगा. ठीक है?